पूरे शहर में कूड़े की भारी समस्या लगातार बनी रहती है। पूरा शहर प्राइवेट कूड़े वालों को कूड़ा देते रहते हैं, जिसके बाद कूड़े का सही से प्रबंध किया जाता है। इसी को लेकर नए मेयर विनोद अग्रवाल के बैठने के बाद एक सराहनीय कदम उठाया गया है। इसमें डोर टू डोर कूड़ा संग्रह का शुभारंभ कर दिया गया है। इसमें 20 नए टेम्पू साथ ही रिफ्यूज कॉम्पैक्ट दिए गए हैं, जो 600 नए डिब्बे, एक बड़ा डंपर, 1000 ठेले भी दिए गए हैं। साथ ही जैकेट, दस्ताने, सीटी और मास्क भी दिए गए हैं। नगर निगम ने ज्यादातर पुराने कूड़ा उठाने वालों को ही जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते कूड़ा घरों से उठाकर एक निश्चित जगह पर ले जाया जाएगा, जहां उसकी कंपोजिट खाद बन जाएगी, जो पौधों के काम भी आएगी। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज स्वच्छ भारत मिशन की पहली कड़ी में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा महानगर में 20 नए टिपर कूड़ा कलेक्शन के वाहन, 600 नए डिब्बे कूड़ा डालने के लिए लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। एक बड़ा वाला, क्या बोलते हैं उसको, डंपर प्लेसर, ये क्या है, ये लैटिन बाथरूम वाला? अरे ये नहीं, ये जिसका हम, अच्छा ये प्रेशर प्लेसर डंपर बोलते हैं, डंपर प्लेसर जी। और 1000 नई रिक्शाएं कूड़ा उठाने के लिए और डोर टू डोर के लिए समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई है कि अब कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, अगर इधर उधर गंदगी करेंगे तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। महानगर मुरादाबाद में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था जो है अभी तक नहीं थी। लास्ट ईयर दिसंबर 2016 में हरी भरी नाम की एक संस्था से नगर निगम ने एग्रीमेंट किया था और उस संस्था ने भी इस काम को नहीं किया। 5 जून को सांकेतिक रूप से एक दिन उन्होंने कूड़ा उठान किया था एक वार्ड में, वो भी बंद कर दिया गया बाद में। बार बार रिपीटेडली हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे थे लेकिन उन्होंने कूड़े उठान का काम नहीं किया। तो अब नगर निगम ने अपने स्रोतों से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया है और हमारे सभी वार्डों में, सभी 70 वार्डों में हमने एक साथ इस काम को शुरू किया है। इसमें हमने 20 ऑटो टिपर लगाए हैं और 15 CNG वाहन हमने लगाए हैं, जो इन कूड़ा घर घर से कूड़ा उठाने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ 300 साइकिल रिक्शे भी हमने लगाए हैं और मुझे लगता है कि हम पूरे महानगर को एक साथ कवर करने में कामयाब हैं। जहाँ तक नगर की सफाई की बात है, मैं एक चीज़ और भी कहना चाह रहा हूँ, लोगों से मेरा अनुरोध है, अभी हमने 600 डस्टबिन पूरे शहर में लगवाए हैं। तो कई डस्टबिन में मेरे सामने ये भी एक बात आई कि लोगों ने घरों का निर्माण सामग्री का मलबा उसमें डस्टबिन में डाल दिया। मेरा अनुरोध है सभी महानगर वासियों से कि ये डस्टबिन भी आपके हैं, शहर भी आपका है और सड़कें भी आपकी हैं। आपको ही तय करना है कि इसे सही रखना है कि नहीं रखना है। अगर कूड़ा डालने की डस्टबिन में अगर आप ईंटे, पत्थर और बिल्डिंग मटेरियल का मलबा डालेंगे तो निश्चित रूप से वो ख़राब होगा। मेरा अनुरोध है कि शहर को साफ रखने में नगर निगम का सहयोग करें। सफाई का काम केवल नगर निगम का नहीं है बल्कि सभी नागरिकों का है। सभी से मेरा अनुरोध है अपने शहर को साफ रखें।